सरकार द्वारा आयात शुल्क मूल्य में वृद्धि और एक्सचेंज रेट बढ़ने से विदेशों में बाजार टूट गए, जिससे दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सोयाबीन डीगम, सोया रिफाइंड और दिल्ली पामोलिन तेल की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला। वहीं कच्चे पाम तेल के भाव में सुधार दर्ज हुआ। बाजार सूत्रों ने बताया है कि बीते सप्ताह गुजरात में मूंगफली की आवक कम होने से मूंगफली तेल की कीमतों में मजबूती देखी गई। इसी कारण मूंगफली के भाव में 115 रुपये का सुधार दर्ज किया गया। सूत्रों ने यह भी कहा है कि समीक्षाधीन सप्ताहांत में मूंगफली तेल और बिनौला तेल की कीमतों में अंतर बढ़ने से बिनौला तेल की गुजरात में भारी मांग रही। इस कारण बिनौला तेल का भाव में 300 रुपये प्रति क्विंटल के सुधार के साथ बंद हुआ। सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए देश में पाम तेल का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में पहल की है। इसके अलावा पहले भी आयात शुल्क को कम करने के साथ पामोलिन के प्रतिबंधित आयात को फिर से शुरू किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 125 रुपये का लाभ दर्शाता 8725 से 8750 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जो पिछले सप्ताहांत 8600 से 8650 रुपये प्रति क्विंटल था। सरसों दादरी तेल का भाव 100 रुपये की मजबूती के साथ 17700 रुपये क्विंटल हो गया। बाजार सूत्रों ने बताया कि सरसों के ऊंचे भाव के कारण व्यापारी के पास ना के बराबर स्टॉक है और सरसों तेल मिल मालिकों के पास सीमित मात्रा से भी कम स्टॉक बचा है। जो भी स्टॉक है वो किसानों के ही पास है। अगले महीने से हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ने के साथ सरसों तेल की मांग भी बढ़ जाएगी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सरसों की पैदावार 2 गुना से अधिक हो सकती है, इसलिए सरकार को बीज की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश में सोयाबीन बीजों के लिए हुई परेशानी जैसी स्थिति ना हो। सोयाबीन डिगम का आयात शुल्क मूल्य बाजार भाव से कम होने के कारण सोयाबीन डिगम तेल में गिरावट आई, जिसका असर सोयाबीन के बाकी तेलों पर भी देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।